कश्मीर न्यूज़ सर्विस प्रेजेंट। सीआरपीएफ के द्वारा ये सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें इस चादुरा एरिया में हम लोगों ने 29 बटालियन सीआरपीएफ ने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। हमारी 29 बटालियन की एक कंपनी डेल्टा कंपनी का ये यूआर है। इस मेडिकल कैंप के जरिए हमारी कोशिश है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उनको दूर किया जा सके। 29 बटालियन की डॉक्टर यहाँ फ्री में उनका चेकअप कर रही है और दवाइयों का वितरण भी फ्री में किया जा रहा है। यहाँ स्कूल के बच्चों को भी कोविड से संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे सैनिटाइज़र, मास्क, ये सारी चीज़ें भी वितरित की गई है। हम लोगों का प्रयास है कि जो हमारा सीआरपीएफ, पुलिस और पब्लिक, ये सारे जो रिलेशन है, पुलिस पब्लिक के जो रिलेशन है, ये इसको बेहतर माहौल मिले, एक हम लोगों में एक आपसी विश्वास का वातावरण बने। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने और जगहों पर कैंप करा है और ये हमारा 5वां कैंप है, और जनता की जो प्रतिक्रिया हुई है, जो रेस्पॉन्स मिला है, उससे हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। लगता है लोग आते हैं, जुड़ते हैं आपसे, फायदा उठाते हैं। मैं यही आपको बता रहा था कि ये मेरा 5वां कैंप है। इसके पहले हम लोगों ने पंथा चौक में किया, छानपुरा में किया और अन्य जगहों में किया। तो जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है और जो उनकी प्रतिक्रिया है, दे आर वेरी हैप्पी, और हम लोग भी बहुत प्रसन्न हैं कि ज़रूरतमंद लोगों को इस मेडिकल कैंप के जरिए हम लोगों ने मदद करने में कामयाब हुए हैं। और फ्यूचर में भी हम लोगों का प्रोग्राम है कि आगे भी, भविष्य में भी जो सिविक एक्शन प्रोग्राम होगा, उसमें यहाँ के यूथ और यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके इसको बेहतरीन ढंग से सिविल पुलिस की मदद से इसको आयोजित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को लाभ पहुँचाने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज़ सर्विस।